जो सिंगल फेज मोटर की जो वाइंडिंग होती है वो कंसेंट्रिक वाइंडिंग कहलाती है। सिंगल फेज मोटर की वाइंडिंग कंसेंट्रिक। सबसे पहला तो ये समझना है कि आपको कंसेंट्रिक होता क्या है। कंसेंट्रिक वाइंडिंग किसे कहते हैं? कंसेंट्रिक वाइंडिंग का मतलब ये है कि कॉइलों की संख्या एक से अधिक हो, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, पिच चारों का अलग अलग हो और सेंटर एक हो, इस तरह की जो वाइंडिंग है उसको कहते हैं कंसेंट्रिक वाइंडिंग। तो सिंगल फेज मोटरें जितनी भी होती हैं उन सब में कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज मोटरों में सारी कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है जिसमें आपका सबका पिच तो होता है अलग अलग लेकिन सबका सेंटर होता है एक। और कोयलें एक ग्रुप के अंदर दो कोयलें, तीन कोयलें या चार कोयलें हो सकती हैं। और अभी एक एग्जाम्पल है, हमारे पास में एक मोटर आई, मोटर की वाइंडिंग हमने उसको काटा, उसमें डाटा नोट करे हैं। डाटा नोट करने के बाद जो हमने देखा थी रनिंग वाइंडिंग में तीन कोयलों का एक ग्रुप है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी तीन कोयलों का एक ग्रुप है और चार पोल के लिए उसकी वाइंडिंग करनी है। तो उसकी डिजाइन कैसे बनेगी? चार पोल के लिए उसकी वाइंडिंग करनी है तो डिजाइन इसकी किस प्रकार से बनेगी? सिंगल फेज, चार पोल, कंसेंट्रिक वाइंडिंग। अभी जो अपन डिजाइन बनाने जा रहे हैं सिंगल फेज चार पोल कंसेंट्रिक वाइंडिंग, इसमें ये वाइंडिंग हमेशा अनबैलेंस होती है। सिंगल फेज की वाइंडिंग अनबैलेंस है, जैसा कि थ्री फेज मोटर में सारी बैलेंस वाइंडिंग होती थी, किसी में सिंगल लेयर, किसी में डबल लेयर। और सिंगल लेयर के अंदर होता था तो सारी कोयले सिंगल लेयर होती थी थ्री फेज के अंदर, डबल लेयर है तो सारी कोयले डबल लेयर होती थी। थ्री फेज में सिंगल लेयर या डबल लेयर करते हैं तो सभी में एक फार्मूला और कॉमन, क्योंकि सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो सभी कोयले सिंगल लेयर ही होती हैं, कोई भी एक स्लॉट डबल लेयर का नहीं होता। जबकि यहाँ पर सिंगल फेज की जितनी मोटरें हैं उसमें सिंगल लेयर भी हो सकता है, किसी में डबल लेयर होगा। अब डिजाइन जैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास में स्लॉटों की संख्या, स्लॉट 32 स्लॉट बनाओ पहले, एक ये आपके 32 स्लॉट बन गए। पहला काम आपको पिच निकालने का, पिच का फार्मूला, पिच बराबर होता है स्लॉट बटा पोल। स्लॉट हमारे हैं 32 और पोल हैं 4, एक से 8 पिच लेंगे। पहली कॉइल रनिंग वाइंडिंग, सबसे पहले सिंगल फेज मोटर में पहले रनिंग वाइंडिंग डाली जाती है, उसके ऊपर स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो गहराई में डाली जाती है क्योंकि उसको मैक्सिमम फ्लक्स बनानी है। तो रनिंग वाइंडिंग जो गहराई में डाली जाती है वो रनिंग वाइंडिंग। तो मोटर की जब वाइंडिंग करेंगे उस समय पहले आप रनिंग वाइंडिंग डालेंगे, उसके ऊपर फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो पहले रनिंग वाइंडिंग की कोयले अपन डालें, पिच लिया 1 से 8, ये हमारी एक कॉइल हो गई। और चूंकि कंसेंट्रिक है और तीन कोयलों का ग्रुप है इसलिए दूसरी कोयल आपकी ऐसे होगी और पहली कोयल का जो एंडिंग सिरा है ये दूसरी कोयल के स्टार्ट सिरे से जुड़ गया। ये दूसरी कोयल का जो एंडिंग सिरा आया ये तीसरी कोयल के स्टार्ट सिरे से जुड़ जाएगा। और ये सिरा आपका बाहर निकला है, ये एक ग्रुप हो गया। ये एक ग्रुप एक पोल का काम करेगा, ये हमारा एक ग्रुप है वो एक पोल का काम कर रहा है। अगला ग्रुप यहाँ से शुरू करना है आपको, यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये इस प्रकार से आप बनाते जाएं। ये तीसरी कॉइल, दूसरी कॉइल का जो एंडिंग सिरा है तीसरी कॉइल के स्टार्ट सिरे से, और तीसरी कॉइल का जो एंडिंग सिरा है ये हमारा बाहर निकला, तो ये दूसरा पोल बन गया। अब इसके आगे नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाइंडिंग आपकी कंसेंट्रिक वाइंडिंग है। कंसेंट्रिक का अर्थ कॉइलों की संख्या एक से अधिक, पिच अलग अलग लेकिन सेंटर एक। सिंगल फेज मोटर सारी कंसेंट्रिक होती है, थ्री फेज में किसी किसी में कंसेंट्रिक, किसी में डिस्ट्रीब्यूटेड, किसी में बास्केट वाइंडिंग। ये तीसरा पोल हो गया, चौथा और लास्ट पोल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार से ये आपकी ये रनिंग वाइंडिंग पूरी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि तीन कोयलों का रनिंग वाइंडिंग का ग्रुप बनाना है कि चार कोयलों का ग्रुप बनाना है, ये मोटर की डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप में इसमें तीन कोयलों का ग्रुप है कि चार कोयलों का ग्रुप है। तो ये हमारी एक रनिंग वाइंडिंग पूरी हो गई। अब इन सभी कोयल ग्रुपों को जोड़ने का तरीका, सबसे पहला सिरा स्टार्ट सिरा आपका बाहर निकल गया जिसे रनिंग वाइंडिंग वन आर वन दे दिया। इसका जो एंडिंग आया है अगले ग्रुप के एंड से जोड़ देना है, जो स्टार्ट बच गया वो नेक्स्ट अगले ग्रुप के स्टार्ट सिरे से जोड़ दिया, एंड बच गया अगले नेक्स्ट ग्रुप के एंड के साथ जोड़ दिया, और ये सिरा आपका बाहर निकला है, ये रनिंग वाइंडिंग टू। ये लास्ट में लीड वायर इसके बाहर निकलेंगे, रनिंग वाइंडिंग वन और रनिंग वाइंडिंग टू। अब आगे हमारी ये थ्योरी है सिंगल फेज की कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। हमने जब रनिंग वाइंडिंग डाल दी है, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग डालनी है, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ से डालना शुरू करें। स्टार्टिंग वाइंडिंग डालने का जो तरीका है, रनिंग वाइंडिंग की दो कोयलों के बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग आनी चाहिए, तब आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये सिंगल फेज की जो थ्योरी ये कहती है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो दो पोल हैं आपके, इसके बीच में यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग आनी चाहिए, दो रनिंग कोयलों के बीच में स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ शुरू करेंगे, ये दो के बीच में। पिच इसका सेम वही रहेगा, पिच वही आपका 1 से 8 है। तो आप जो स्टार्टिंग वाइंडिंग शुरू करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, अपन यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बड़ी कोयल स्टार्टिंग वाइंडिंग की यहाँ आ गई आपकी, ये सबसे बड़ी कोयल स्टार्टिंग वाइंडिंग की कोयल आपकी यहाँ रहेगी। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की पहली कोयल। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी तीन कोयलों का ग्रुप है, तीन कोयलों का ही ग्रुप है, तो स्वाभाविक है कि दूसरी जो दो छोटी कोयलें हैं वो डबल लेयर, मतलब पहले नीचे तो ये रनिंग की कोयल है उसके ऊपर स्टार्टिंग की कोयल आएगी, क्योंकि एक तो इसके लिए सेपरेट स्लॉट मिल गया, यहां पर आपकी कोयल डबल हो गई है, ठीक है। और यहां पर ये किसी किसी मोटर के अंदर दो कोयलों का भी ग्रुप हो सकता है, किसी में तीन का हो सकता है। अभी हमने ये जो मोटर हमारे सामने थी उसको खोला, उसमें तीन कोयलों का ग्रुप था, इसलिए तीन तीन कोयलें। ये चीज़ें आपको रिवाइंडिंग करने से पूर्व, जली हुई वाइंडिंग काटने से पूर्व एक डाटा कॉपी में अपने को नोट करना है डाटा, उसके बाद आपको वाइंडिंग काटनी है, उसी आधार पर जब रिवाइंडिंग करें उस समय उसी अनुसार लेना है।
ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक ग्रुप या एक पोल ये बन गया। अब दूसरा नेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आठ गिनोगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये एक स्लॉट डबल का है, एक सिंगल का है, ये वाली कॉइल साइड भी इसकी डबल आएगी, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक इसी प्रकार तीसरा ग्रुप यहाँ से शुरू होगा। ये इसलिए किया जाता है कि दो रनिंग वाइंडिंग की कॉइलों के बीच में एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉइल होनी चाहिए, और इसको अगर उल्टा कहा जाए कि दो स्टार्टिंग के बीच में एक रनिंग, ऐसा कहो तब भी ठीक है। अगर हम देखें तो दो स्टार्टिंग के जो पोल है उसके बीच में रनिंग, तो दोनों ग्रुप स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती हैं। ये सिद्धांत है इसका सिंगल फेज वाइंडिंग का। और बन गया है अगला इसकी जो दूसरी साइड आएगी वो यहां आ जाएगी। ऐसे ये तीन कोयलों का ग्रुप जो ये यहाँ पर एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है और तीसरी साइड ये हिस्सा बाहर निकला है आपका ये। तो इस प्रकार आपने ये वाइंडिंग कर दी। अब इनके भी लीड वायर वैसे ही निकलेंगे। ये सिरा आपका बाहर आ गया, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का सिरा वन, ये एंड आया, ये अगले ग्रुप के एंड के साथ, ये स्टार्ट बच गया अगले ग्रुप के स्टार्ट के साथ, ये एंड बच गया वो अगले ग्रुप का एंड के साथ, अगले ग्रुप का एंड जो निकला है वो दूसरी साइड निकला है। इसलिए इसको हम घुमा के ले जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो तार निकल गए, S1 और S2। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो सिरे। अब आपको जो कॉमन करना है आगे के जो कनेक्शन करने हैं, पहले ये चार लीड वायर आप बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का कॉमन कर दिया और उसको सप्लाई के साथ, और रनिंग वाइंडिंग का हमेशा सप्लाई के साथ ही होना चाहिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये जोड़ के फिर रनिंग वाइंडिंग के साथ जुड़ेगा, और ये आपका सप्लाई का तार दूसरा हो गया फेज, फेज और न्यूट्रल ये सप्लाई के तार हो गए। अब किसी कारणवश आपको मतलब डायरेक्शन चेंज करना पड़े, मोटर के घूमने की अगर आपको दिशा बदलनी हो, तो रनिंग वाइंडिंग में जैसे रनिंग वाइंडिंग R1 और S1 जो शॉर्ट किया हुआ है इसकी जगह R2 और S1 को शॉर्ट करना है। मतलब रनिंग वाइंडिंग के सिरे आपस में इंटरचेंज करने हैं। अभी जो आपने शॉर्ट कौन सा किया है, कॉमन जो बनाया है S1 और R1, तो आपका डायरेक्शन, माना कि आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, आपको एंटी क्लॉक करना है, एंटी क्लॉक करना हो तो आप इसको जो शॉर्ट करने के बजाय आप S1 और R2 को शॉर्ट करो, और ये जो तार जो दूसरा वाला जो है ये इसको R1 के साथ जोड़ दो, तो आपके जो घूमने की दिशा जो है वो चेंज हो जाएगी। रनिंग वाइंडिंग के सिरे जो पहले R1 और S1 शॉर्ट थे उसके बजाय हमने चेंज कर दिया R2 और S1, मतलब R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो घूमने की दिशा बदल जाती है।
बाकी आपको कोई दूसरा सिस्टम नहीं अपनाना है जो पंखों में जनरली करते हैं, कैपेसिटर का सप्लाई का तार इधर जोड़ा है तो उसके बजाय इधर कर दो, तो वो गलत हो जाता है, मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। अगर ये थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा तो मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी घूमने की दिशा बदलनी हो तो आपको रनिंग वाइंडिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे को आपस में इंटरचेंज करना है। जो कॉमन आपने जो किया है कॉमन, एक रनिंग का ने एक स्टार्टिंग का जो लिया, अब R1 और S1 लिया है उसकी जगह R2 और S1 ले लो, कॉमन ये कर दो, ये इन दोनों को कॉमन किया है, इसके बजाय एक तो ये ले लिया दूसरा ये वाला ले लो, तो कॉमन चेंज कर दिया तो घूमने की दिशा आपकी बदल जाती है। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा।